ये अज्ञातवास, यहाँ पे पांडव ने अज्ञातवास लिया था, पांडवस ने, तो हाथू पीक के ऊपर ये जगह है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी थार। तो दोस्तों इसके ऊपर लगा हुआ है एआरपी का काड़ू रूफ टॉप टेंट। अब ये टेंट लगा किस पे है, वो लगा है इस रैक पे, और ये रैक किस पे लगा है, वो लगा है इस रूफ पे। तो कई लोग कहेंगे कि ये गाड़ी तो पहले कन्वर्टिबल थी। हाँ थी, हम लोगों ने इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एफआरपी हार्ड टॉप लगाया। अब कई लोग कहेंगे कि आपको हार्ड टॉप ही लेनी चाहिए थी, आपने फिर पैसा वेस्ट किया। नहीं, जो कंपनी वाली हार्ड टॉप है वो इस काम के लिए नहीं बनी है जो हम अभी कर रहे हैं इससे। सो आई मीन उससे भी, उसको भी हटाना पड़ता हम लोग को, अगर जो अभी हम कर रहे हैं वो करना था। सो हम लोगों का डिसीज़न ठीक था। तो जो रैक बनाया गया है वो बड़ा फ्लश बनाया गया है, और हम लोगों ने रूफ़ के अंदर ऑलरेडी माउंटिंग पॉइंट्स दिए थे जहाँ पे ये बोल्ट ऑन हो गया है रैक। सो जब ये बंद रहता है टेंट, तो उस टाइम पे यू कांट इवन फाइंड कि ये रैक के ऊपर लगा हुआ, आपको लगेगा कि कोई लगेज या कुछ स्क्वायरिश थिंग गाड़ी के ऊपर चिपकी हुई है उसकी। ये लैडर जो है, अब कई लोग पूछें तो लैडर पार्ट है टेंट का, एंड ये टेंट है वन ऑफ द लाइटेस्ट। सो और ये डाइमेंशंस भी परफेक्ट बैठ रहे थे इसके। अब इससे बड़े टेंट थे इस प्राइस में मिल रहे थे, बट मैं नहीं कर सकता था क्योंकि फ्रंट में गाड़ी में सनरूफ है, और सनरूफ वाला एरिया मैं कवर नहीं करना चाहता था। सो अभी सनरूफ बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो टॉप के साथ ये सनरूफ वाला पार्ट है। सनरूफ अंदर से इन लैचेस के थ्रू खुलती है, और ये लॉक्स हैं। तो अभी कवर पड़ा हुआ है रूफ टॉप टेंट का इसके ऊपर। सो अभी मैं सनरूफ खोल के दिखा नहीं सकता, और ये सन ब्लाइंड है इन केस बहुत ज़्यादा धूप अगर आने लगे। उसके बाद में गाड़ी में गंदे हैं बट 70 मैट्स लगे हुए हैं, उसके साथ में डेड पैडल लगा हुआ है। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, सो पूरा चार्जिंग का सेटअप है, ये कैमराज की बैटरीज वगैरह लगी हुई हैं, ये आर्मरेस्ट लगा हुआ है, एंड ये सीट कवर्स जो हैं ये कंपनी वाले हैं। उसके बाद में आते हैं फ्रंट में। तो फ्रंट में ये इंटीग्रेटेड फंक्शनल स्नॉकल है, ये पता भी नहीं लगता कि स्नॉकल लगी हुई है अगर आप ध्यान से ना देखो, कि दूसरी तरफ भी ऑलरेडी एक एक्सेसरी वाला पार्ट लगा हुआ है प्लास्टिक का ब्लैक, और ये इसी तरह से यहाँ पे ये लगता है स्नॉकल। सो आई रियली लाइक डेट। हम लोगों ने थोड़ा डिज़ाइन के साथ प्ले किया है, दिस इज़ अ कस्टम स्नॉकल। सो थोड़ा सा इसका एंगल हम लोगों ने नीचे की तरफ किया है जिससे कि ज़्यादा कुछ सकिन ना करें, वैसे एयर बॉक्स के अंदर ऑलरेडी होल्स होते हैं। उसके साथ में अब अगर बात करें लाइट्स की, तो लाइट्स की जो हाउसिंग है वो स्टॉक है, बट बल्ब्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत ही इकोनॉमिकल एंड ज़बरदस्त सॉल्यूशन है वो। सो मैं बल्ब यूज़ कर रहा हूँ फिलिप्स रेसिंग विजन 130+। ब्राइटनेस गज़ब है, मुझे बिल्कुल भी अपग्रेड की नीड नहीं फील हो रही है। सो मैं यही कह सकता हूँ कि 1800 रुपीज़ में इससे अच्छा, या 1600 में जितने में भी आप सोर्स कर पाओ, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है लाइट्स का आपके पास में। उसके बाद में आते हैं नीचे। नीचे इसमें प्राड का एल्यूमिनियम का प्रोटेक्शन लगा हुआ है। ये एल्यूमिनियम का जो प्रोटेक्शन है ये कवर करता है रेडिएटर को, और इसका जो माउंट है वो चैसी से हैं। सो प्लास्टिक बम्पर के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग कहेंगे कि अगर ये प्लास्टिक बम्पर पे कनेक्ट है तो कोई फ़ायदा नहीं है। नो, ये अपने अलग हिंजेस के ऊपर कनेक्ट है चैसी से। और उसके बाद में ट्रांसमिशन एंड ऑयल पैन, तीन चीज़ कवर होती हैं इससे। ये भी एक अच्छा एडिशन है, मैंने एल्यूमिनियम का लिया है क्योंकि एल्यूमिनियम का जो प्रोटेक्शन था वो था 14 kg, और जो स्टील का था वो था 30 kg। तो लटकता हुआ 30 kg नहीं सही है। उसके साथ में ये कंपनी की एक्सेसरी है, मस्ट हैव। उसके साथ में ये फालतू की एक्सेसरी है जो कि फालतू में लगा ली गई है। ये काम की है, ये कई बार बिल्कुल एज पे टकराती है चीज़ों से, तो ये इसको बचा लेती है। टायर्स स्टॉक यूज़ कर रहा हूँ मैं, सीट्स आर 255/65R18। परफॉर्मेंस फ्लॉलेस। लुक्स की अगर बात करें ठीक है, ड्राइव अच्छी करती है, नो फालतू का साउंड ऑन रोड्स। सो मैं यही देख रहा हूँ कि मार्केट में कुछ टायर्स हैं फालतू में ओवरचार्ज कर रहे हैं डीलर्स, सो मैं तो इनको घिसने वाला हूँ पहले।
हाँ पीछे देखिए, तो ये हैं ARBK Max Trax, इनको सैंड लैडर भी बोल सकते हैं और स्नो रिकवरी के लिए लैडर भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने कस्टम माउंट बनाया ये, और उसके ऊपर इनको लगाया। सो इनको खोल के निकलता है, यहाँ पे हम लोग लॉक लगा सकते हैं और ये बड़ी अच्छी तरह से इंटीग्रेट हुआ है इसके अंदर। और ये जो पड़ी हुई हैं बहुत हैवी, ये हैं स्नो चेन्स मेटल की। सो ये जो बोरा है पूरा, मतलब पैकेट है ये 28 केजीज का है, तो मैं इसको उठा नहीं सकता अभी। अब इसको हटाते हैं। ये है अपना सोलर सिस्टम, आप बोल सकते हो बैकअप सिस्टम, सोलर सिस्टम नहीं। तो अभी जो फ्रिज है इसी से चल रहा है क्योंकि गाड़ी बंद है। और उसके साथ में ये जो पैनल है, ये सोलर पैनल है जो पड़ा हुआ है, इससे जब धूप अच्छी होती है तो इसको चार्ज किया जाता है। इसके अंदर है 150,000 mAh की बैटरी। इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ, आपको ज़्यादा जानना है इसके बारे में, तो क्योंकि मैं इसकी कमियां भी बताऊंगा, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं ओवर एक्साइटेड था इसको बाय करने से पहले, तो मैंने ले लिया इसको, बट मे बी मैं बेटर ऑप्शन चूज़ करता अगर मैं टाइम लेता। उसके साथ में ये फ्रिज है, इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। 3 लीटर या 22 लीटर का फ्रिज है ये, और नियरली मतलब पीक वॉटेज की अगर बात करें तो ये लेता है अराउंड 70 वाट्स 60 वाट्स, और अच्छा ठंडा करता है, अच्छा मेंटेन करता है। कंप्रेसर वाला फ्रिज है, और जब गाड़ी चल रही होती है तो मैं इसको सिगरेट सॉकेट से चलाता हूँ, और अगर गाड़ी खड़ी है और मुझे, क्योंकि इसके अंदर कुछ पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं, तो उनको मैं फ्रीज करके रखता हूँ -5 -10 पे, तो ये फिर इस वाले डिवाइस से ठंडा होता है उस टाइम पे। अब चलते हैं इधर। सो ये है स्टोव, ब्यूटेन से चलता है ये। इसके कुछ सिलेंडर्स मैं एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ अपने साथ में। कुछ बंजी कॉर्ड्स हैं उधर, वो आपको टंगी हुई दिखाई दे रही होगी। उसके साथ में ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये बड़ा काम की चीज़ हैं। इनके अंदर जो है बहुत ही हार्ड प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, जिससे कि डिफॉर्म नहीं होते। जो मार्केट में मिलते हैं वो वज़न पड़ने से लटक जाते हैं, ये नहीं लटकते। इनमें ये बड़ी वाली पॉकेट है, एक ये नेट वाली पॉकेट है, एक ये पॉकेट है, दो बॉटल होल्डर्स हैं आगे, दोनों सीटों पर सेम टू सेम लगे हुए हैं ये। वॉकीज जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये मेन स्ट्रीम चाइनीज़ वॉकीज़ यूज़ करता हूँ, ये बिफोंग। सो ये बड़ा सस्ता सा आइटम है, 2,000-2,500 जितने में भी आप सोर्स कर पाओ। दो का सेट है मेरे पास। उसके साथ में मेरे पास हैं दो डिकैथलॉन वाली चेयर्स। तो कहीं पे मैं अगर रुकता हूँ टी ब्रेक के लिए या फिर चिल मारने के लिए, तो ये चेयर्स हैं, फटाफट से खुलती हैं, फटाफट से बंद हो जाती हैं। पीछे ये आइटम्स हैं, पानी की बॉटल हैं बहुत सारी, ये ड्रिंक्स हैं कुछ, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे ग्लूकोज, विटामिन्स एंड ऑल्सो। बहुत हेल्प करता है मेरी ट्रिप पे, तो मैं पक्का लेके जाता हूँ। उसके साथ में पीछे वाले ऑर्गेनाइजर्स हैं, यहाँ पे मैं दो बल्ब रखता हूँ एक्स्ट्रा हमेशा, कहीं फ्यूज हो जाए। और बहुत आसान होता है स्टॉक वाले हेडलाइट्स में बल्ब चेंज करना। ये पंचर रिपेयर किट है, उसके साथ में ये सैनिटाइज़र है, ये फेस वॉश है, ये वाइपर है इन केस बहुत ज़्यादा स्नो गिर जाती है। उसके साथ में ये कुछ बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए विम बार वगैरह हैं, टायर वायर रिपेयर खोलने वोलने के लिए। इधर वाले में कुछ बंजी कॉर्ड्स हैं, थोड़ा मोड़ा कुछ और चीज़ें होंगी, पानी की बॉटल्स हैं, ये मेरे कपड़े हैं, नीचे ये एक बड़े वाले सॉकेट सेट है, टूल किट। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक 5 टन का टो स्ट्रैप है। टो स्ट्रैप के जो दो शैकल्स हैं वो भी मैंने यहीं कहीं इनके अंदर डाले हैं, इन केस किसी को खींचना पड़े या फिर आप फंस जाओ, किसी से खिंचवाना पड़े। उसके बाद में ये एक ट्रे टेबल है जो कि महिंद्रा के ऑफिशियल एक्सेसरी है। मैंने उसके पीछे ये फोम लगवाया है जिससे कि ये बंद हो तो किसी चीज़ में ज़ोर से टकराए ना। सो ये इस तरह से खुलता है। गलती मुझसे ये हुई कि जो मैंने फोम लगवाया था तो उसने पूरा नीचे से बंद कर दिया था, और मैंने उनको बोल के फिर से इसको ओपन करा दिया। अब क्या रहता है, तेज़ हवा चलती है खुले में तो थोड़ा इशू जनरेट करता है, मे बी मैं इसको फिर से क्लोज़ करा दूंगा। सो ये हो गई बंद, और ये थी मेरी ओवरलैंड थार। तो अभी तक के लिए यही चीज़ें हैं। एक चीज़ और जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताना मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं 16 इंच स्टील रिम्स पे जाके इतना ही हाइट का, मतलब 31.1 हाइट है अभी टोटल व्हील्स की,
मैं 16 पे जाके हाई साइड वॉल वाले जियोलैंडर्स प्लान कर रहा हूँ 015, और वो रहेंगे 275 R16, और एयर प्रेशर मैं रन करूँगा 26, सो काफ़ी खुशी राइड होगी उनसे। पहले पर मैं इन टायर्स को घिसूँगा उसके बाद। अगर आपको एक छोटा सा टूर लेना है टेंट के अंदर भी, तो आई कैन गिव यू, क्योंकि अंदर भी कुछ सामान है जो कि आप लोग को देखना चाहिए। कल सारी रात बारिश हुई थी तो अभी भी पानी टपक रहा है, मैंने इसको ओपन किया फटाफट से, इससे इसको कुछ हवा लग पाए। कुछ लाइट्स हैं जो कि ये ऑन है, लगी हुई है अभी तक। सारे दिन से लाइट जल रही है यार, शिट। लोग देखो, ये मेरा स्लीपिंग बैग है 0°C से -5°C का। कुछ पॉकेट्स होते हैं इसके अंदर, ये फ्रेम होता है टेंट का, एंड इस तरह से दिखता है। दो दिन से बारिश में सो रहा हूँ, कोई पानी अंदर नहीं आया। ये इसका मैट्रेस है नीचे, और ये लाइट के साथ बड़ा बुरा हुआ पैकिंग के टाइम पे। कई बार क्या होता है कि आप इस तरह की चीज़ें छोड़ तो देते हो, बट ये डैमेज कर सकती हैं या डैमेज हो सकती हैं, तो नहीं छोड़ना चाहिए सामान। एक दिन में से पानी की 2 लीटर की बॉटल अंदर रह गई थी। अब तो ये टेंट खुला ही हुआ है, तो आई थिंक वी कैन कीप इट। थोड़ा मैसी है क्योंकि ये इस तरह से पड़ा था, बट वेरी नाइस स्लीपिंग बैग यार, बजट में, बड़े सही प्राइस में। डिकैथलॉन से कितने का था ये, 4900 समथिंग। वेरी नाइस बैग। ये जर्नीज हैं, पसंद आ रही हैं तो फॉलो मी, क्योंकि आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, उसके साथ में आपको मज़ा भी आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।